जिला हमीरपुर के देउठ सिद्ध में स्थित धौलगिरी पर्वत के शिखर पर विराजमान उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाल योगी बाबा बालकनाथ मंदिर देउठ सिद्ध में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। महंत बाबा बालकनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से महंत आवास पर 2 से 3 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। चैत्र मास मेलों के बाद पोनाहारी नगरी देउठ सिद्ध में एक बार फिर भक्तों का जन सैलाब उमड़ेगा। गुरु पूर्णिमा पर्व के आयोजन के लिए मंदिर महंत आवास प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है, जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। 2 जुलाई रविवार को गद्दीचीन महंत श्री 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 108 राजेंद्र गिरी महाराज श्रद्धालुओं को दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक नामदान देंगे। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक बाबा की चौकी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध गायिका रीना धीमान, हिमाचल के प्रसिद्ध लोक गायक विजय रतन शर्मा व पंजाब के होशियारपुर से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध गायक संदीप सूद इस चौकी में बाबा का गुणगान करेंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो है वो 2 और 3 जुलाई को मनाया जा रहा है, जिसमें कि हमारा जो व्यवस्था है कार्यक्रम रहे 2 दिन लंगर भंडारे का अखंड आयोजन किया जाएगा, रहने खाने पीने की सारी सुविधा भक्तजनों को उपलब्ध कराई जाएगी। और 2 तारीख को जो वो दोपहर 1 बजे से लेकर शाम से 7 बजे तक जो है नामदान दीक्षा का जो समय रहेगा, उसके पश्चात 6 बजे से जो है बाबा जी की चौकी सत्संग और भजन का कार्यक्रम रहेगा, और जिसमें कि पंजाब से भी और हिमाचल से भी जो है कलाकार आ रहे हैं। पंजाब से हैं संदीप सूद जी होशियारपुर से, विजय रतन जी हिमाचल से, और रीना दीवान जो कि हिमाचल से हैं, वे बाबा जी की महिमा का गुणगान करेंगे। और अगले दिन भी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 3-4 बजे तक जो है नाम दीक्षा का कार्यक्रम चलेगा। बाकी भक्तजनों से एक अपील है कि आए व्यवस्थित तरीके से जो है बाबा जी का दर्शन लाभ करें, और जो भी प्रबंधन है जो व्यवस्था यहाँ पर की गई सेवादार जैसे बताएंगे उसका जो है नियमों का पालन करें और सहयोग करें सारी व्यवस्था में, कि ये चीज़ें जो है आपके लिए ही आपके द्वारा ही हैं, तो अपना भक्ति भाव से आए और बाबा जी की कृपा जो है सब पर बसती रहे, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, ये हमारी कामना है। तो आप खुले मन से आएँ और अपना नाम दीक्षा समारोह में सभी को जय।